एंथ्रानिलिक एसिड में से ऑर्थोक्लोरोबेंजोइक एसिड का सिंथेसिस करने के लिए रिक्वायरमेंट है 9 ग्राम कॉपर सल्फेट, 8.6 ग्राम सोडियम क्लोराइड, 5 ग्राम एंथ्रानिलिक एसिड, 2.5 ग्राम सोडियम नाइट्राइट, 5 ग्राम कॉपर फॉइल एंड कॉन्सेंट्रेट HCl। सबसे पहले क्यूपरस क्लोराइड का सिंथेसिस करने के लिए 9 ग्राम कॉपर सल्फेट को 250 ml के राउंड बॉटम फ्लास्क में ऐड करेंगे। उसमें 8.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड ऐड करेंगे और 20 ml पानी ऐड करेंगे और उसको डिजॉल्व करेंगे। उसमें 2-3 पोर्सिलिन पीस ऐड करेंगे और उसको वायर गॉज पे रख के उबलने तक गर्म करेंगे। अब कॉन्सेंट्रेट HCl 30 ml लेंगे और उसको RBF में ऐड करेंगे। प्रीवियसली वेट 5 ग्राम कॉपर फॉइल को भी RBF में ऐड करेंगे और कलरलेस सॉल्यूशन हो जाए तब तक उसको गर्म करके रिफ्लक्स करेंगे। रिफ्लक्स करने के लिए रख के अब उसके पैरेलल एक बीकर में 5 ग्राम एंथ्रानिलिक एसिड लेंगे उसमें 7.5 ml कॉन्सेंट्रेट HCl ऐड करेंगे। और 35 ml डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे और एंथ्रानिलिक एसिड को डिजॉल्व करेंगे। डिजॉल्व करने के बाद उसको आइस बाथ में रख के टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करेंगे। अब एक बीकर में 2.5 ग्राम सोडियम नाइट्राइट लेंगे, उसमें 9 ml डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे और सोडियम नाइट्राइट को पानी में डिजॉल्व करेंगे। और उसको भी आइस बाथ में रख के टेम्परेचर करीबन 5 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करेंगे। टेम्परेचर करीबन 5 डिग्री सेल्सियस हो जाने के बाद सोडियम नाइट्राइट के एक्वियस सॉल्यूशन को एंथ्रानिलिक एसिड के सॉल्यूशन में ड्रॉप वाइज कंटिन्यूस शेकिंग करते हुए ऐड करेंगे। और एंथ्रानिलिक एसिड यानी ऑर्थो एमिनो बेंजोइक एसिड का डाइजोटाइजेशन करेगी। सोडियम नाइट्राइट का सॉल्यूशन ऐड करने के बाद करीबन 2-3 मिनट तक उसको स्टरिंग करेगी। अब यहाँ
सिट्रस क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाने के लिए फ्लास्क को जो रिफ्लक्स करने के लिए रखा था वहाँ सॉल्यूशन क्लियर और कलरलेस हो गया है करीबन, और उसको आइस बाथ में रख के उसको ठंडा करेंगे और उसके लिए सॉल्यूशन को बीकर में ट्रांसफ़र करेंगे और आइस बाथ में रखेंगे। ठंडा होने से सिट्रस क्लोराइड के वाइट प्रेसिपिटेट मिलते हैं जिसको फिल्टर करना नहीं है, लेकिन ऊपर वाले पानी को डिकेंट करेंगे, उसका निस्तारण करेंगे और सिट्रस क्लोराइड के प्रेसिपिटेट को दो तीन बार पानी के वॉश देके कंसंट्रेट HCl में डिजोल्व करेंगे और क्लियर सॉल्यूशन बनाएंगे। बाद में उसको आइस बाथ में रख के उसका टेम्परेचर भी करीबन 5 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करेंगे। अब सिट्रस क्लोराइड के कोल्ड सॉल्यूशन को ड्रॉप वाइज कंटिन्यूस शेकिंग करते हुए एंथ्रानिलिक एसिड के डाइजोनियम सॉल्ट वाले सॉल्यूशन में ऐड करेंगे, तब तुरंत फॉर्मिंग होगा, तब सॉल्यूशन ऐड करना बंद करेंगे और शेकिंग करते रहेंगे। जब फॉर्मिंग कम हो जाए तब सिट्रस क्लोराइड का सॉल्यूशन कंटिन्यूस शेकिंग करते हुए ऐड करेंगे और मिक्सर को आइस बाथ में करीबन 15 टू 20 मिनट्स तक रखेंगे और उसका कंप्लीट प्रेसिपिटेशन होने देंगे और उसको फिल्टर करेंगे। बाद में उसको दो से तीन बार पानी के वॉश देंगे और ड्राई करके उसका वेट करेंगे और परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करेंगे। अब उसका रिक्रिस्टलाइजेशन करने के लिए करीबन 50% प्रोडक्ट को एक बीकर में ट्रांसफ़र करेंगे और मिनिमम पानी ऐड करके उसको वायर गॉज पे गर्म करेंगे और गर्म पानी में उसको डिजोल्व करेंगे और उसका डीकलराइजेशन करने के लिए उसमें कार्बन चारकोल ऐड करेंगे। और बाद में क्लियर सॉल्यूशन हो जाने के बाद तुरंत उसको फिल्टर करेंगे और फिल्ट्रेट को कलेक्ट करेंगे। फिल्ट्रेट को नीचे बीकर में कलेक्ट करके उसको आइस बाथ में कोल्ड करेंगे, तब ऑर्थोक्लोरो बेंजोइक एसिड के येलोइश वाइट प्रेसिपिटेट मिलेंगे जिसका फिल्ट्रेशन करेंगे। तब चमकीले ऑर्थोक्लोरोबेंजोइक एसिड के प्रेसिपिटेट मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।